हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने सी यूट्यूब सेनेटी पैड्स पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सेल की तरफ से वैकेंसी निकाली गई जो कि इसका लोकेशन भिलाई है, और ये वैकेंसी सेल की तरफ से निकाली गई है तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे इसमें कौन कौन इसको अप्लाई करने सकेंगे, कौन योग्य है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे नोटिफिकेशन में तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एन अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉइन भिलाई स्टील प्लांट सेल रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट। तो ये जो आप रिक्वायरमेंट देख रहे हैं ये एक वेरियस पोस्ट के लिए निकाली गई है जो कि विलाई स्टील प्लांट जो है एक महाराष्ट्र कंपनी है, सभी को मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है और डेट दिया गया 8 जुलाई 2024। नीचे चलेंगे हम लोग, डिटेल्स ऑफ पोस्ट के जो है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे अगर पोस्ट के बारे में तो यहाँ पर देख सकते हैं कंसल्टेंट E3 ग्रेड का है और सीनियर मेडिकल ऑफिसर E2 ग्रेड का है। यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है तो ये वैकेंसी जो है एक मेडिकल लाइन भी बोल सकते हैं हम लोग, तो मेडिकल लाइन का भी ये वैकेंसी है और आपका जो है टेक्निकल से भी ये वैकेंसी निकाली गई। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग जनरल मेडिसिन के लिए, यहाँ पे टोटल पोस्ट 4 दिया गया है, कैटेगरी वाइज सीट को बांट दिया गया जिसमें OBC का एक है। इसमें रेडियो देख सकते हैं, यहाँ पर रेडियो है, नीचे में ENT ऑर्थोपेडिक्स, तो ये सब जो है मेडिकल का जो ब्रांच है उसके हिसाब से इसमें सीट दिया गया है और इसका जो है वैकेंसी निकाली गई है। नीचे चलेंगे मेडिकल ऑफिसर के लिए, देख सकते हैं E1 ग्रेड के लिए नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे एक दिया गया है और इस ये से रिजर्व के लिए ही एक दिया गया क्योंकि यहाँ पे दूसरे कैटेगरी का, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे हम लोग रिजर्वेशन के तौर पर तो यहाँ पर नहीं है। असिस्टेंट मैनेजर सर्वे के लिए E1 ग्रेड सर्वे के लिए जो है इसमें हम लोग फोकस करेंगे ज़्यादा, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग असिस्टेंट मैनेजर के लिए सर्वे E1 ग्रेड का है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया 3 और अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 3 दिया गया है, बाकी कैटेगरी में 0-0 दिया गया है। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो कि इस वीडियो में इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली बात इस ब्रांच से है, इस पोस्ट से है, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो कि ये एक परमानेंट जॉब है सेल की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई। अगर बात हम लोग करेंगे सीट के लिए तो यहाँ पर जो है सीट काफ़ी ज़्यादा कम निकलती है, बट इसमें जो ये एक परमानेंट के तौर पर होता है एक परमानेंट जॉब है। यहाँ पे पोस्ट ऑफ S3 S1 ग्रेड का यहाँ पे दिया गया है, जैसे माइंस फोरमैन के लिए जो S3 में आएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 3 दिया गया है। जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट के बारे में बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे जो कि इलेक्ट्रिकल और सुपरवाइजर का ब्रांच है उसमें टोटल जो है 14 दिया गया है जो कि S3 4 माइंस के लिए भी इसमें डाल दिया गया है। टेक्निकल एसोसिएट जो कि बॉयलर ऑपरेशन से आते हैं S1 के लिए, यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या 5 जो है दिया गया है। नीचे चलेंगे हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे तो देख सकते हैं कंसल्टेंट E3 के लिए यहाँ पे 18 से 41 जो है आपका एज होना चाहिए, जो कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पे बात करके रखा है, PG डिग्री, जनरल मेडिसिन, रेडियो डायग्नोसिस, तो ये सब जो है आप लोग इसको चेकआउट से कर लेंगे जो मेडिकल लाइन में। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के लिए ये सब आप लोग देख लेंगे जो जो है आपका अनुभव और एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपका जो है क्वालिफिकेशन मांग के रखा है। असिस्टेंट मैनेजर सर्वे के लिए अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे तो BE BTEC वाले फुल टाइम इन माइनिंग इंजीनियरिंग जो करके रखे हैं और यहाँ पे मिनिमम 2 साल का आपको यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस मांग के रखा है। यहाँ पे अब नीचे चलेंगे हम लोग थोड़ा सा, यहाँ पर माइंस फोरमैन के लिए 18 से 28 साल तक आपका जो है आयु सीमा दे के रखा है, अप्लाई कर नहीं सकेंगे आप। यहाँ पर मेट्रिकुलेशन डिप्लोमा फुल टाइम होना चाहिए जो कि एक सरकारी संस्था से होना चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, होल्डिंग वैलिड माइंस फॉर्मेशन सर्टिफिकेट और कॉम्पिटेंसी अंडर MMR 1961, रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट वर्किंग ओनली इशू बाय DGMS, तो DGMS से आपका इशू होना चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये सब आपके पास होना चाहिए तभी आप जो माइंस फॉरमैन के लिए अप्लाई करने सकेंगे। नीचे चलेंगे हम लोग जूनियर इंजीनियर के लिए, आप देख सकते हैं इस तरह इसमें भी दिया गया है जैसे कि मेट्रिकुलेशन विद डिप्लोमा फुल टाइम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका, और यहाँ पे बहुत सारा जो और नीचे भी कुछ दे के रखा है रूल, तो उसके तहत आपको उसके हिसाब से आपको जो जितने भी डॉक्यूमेंट जितने भी सर्टिफिकेट चाहिए। टेक्निकल एसोसिएट बॉयलर के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे फुल टाइम ITI, देखिए यहाँ पे ITI वाले जो स्टूडेंट है कैंडिडेट है, मेट्रिकुलेशन फुल टाइम ITI रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, तो आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप इसमें योग्य होंगे। नीचे चलेंगे हम लोग, ये सब तो आप लोग चेकआउट कर लेंगे अपने से सही से देख लेंगे। यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST OBC वालों के लिए, तो
ये सभी आप लोग सही से चेकआउट कर लेंगे, नीचे चलेंगे हम लोग। नीचे में देखिए यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा हम लोग बात करेंगे। इसमें मेडिकल जो हो गया आपका, यहाँ पे देख सकते हैं पैरामीटर मिनिमम, यहाँ पे हाइट दिया गया है 155 सेंटीमीटर फॉर इंजीनियर नॉन, यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइट के लिए 155 सेंटीमीटर दिया गया है और 150 दिया गया है। यहाँ पे फीमेल के लिए 143 दिया गया है, जो कि ग्रेड E1 से लेकर E3 तक का पोस्ट में आएंगे। वेट आपका 45 kg होना चाहिए, जो कि फीमेल के लिए 35 होना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो 72 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर ऑन एक्सपेंशन, छाती को फुला आगे। अभी फीमेल के लिए यहाँ पे भी जो है दिया गया है, और यहाँ पे फोर ग्रेड S1 एंड S3 पोस्ट के लिए बात करेंगे हम लोग। मेल के लिए 155 और फीमेल के लिए 143। इसी तरह जो वेट और चेस्ट है आप लोग इसको देख लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत सारे जो है ईआई टेस्ट वगैरह ये सब वगैरह 6x6, तो ये सब आप लोग जो विजन का है टेस्ट है आप लोग उसको देख लेंगे, सही से चेकआउट कर लेंगे। नीचे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कुछ दिया गया है इस तरह से कि आपका जो यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा देन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू विल बी 50% फॉर जनरल EWS कैटेगरी एंड 40%, जो ये जो परसेंटेज देख रहे हैं कैटेगरी वाइज दिया गया है, यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से दिया गया कि आपको उतना हिसाब से आपको जो है परसेंटेज लाना होगा, जो कि इंटरव्यू से। और यहाँ पे एक आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है अलग अलग तरह से होगा, जितने भी पोस्ट है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। नीचे चलेंगे हम लोग। रिटर्न टेस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे एक CVT के आधार पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये सब आप लोग जितने भी देख सकते हैं देख रहे हैं पोस्ट के बारे में, सबका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है, आप लोग इसको सही से चेकआउट कर लेंगे। नीचे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे स्केल का, स्केल ऑफ पे के बारे में, तो यहाँ पे कंसल्टेंट के लिए दिया गया देख सकते हैं ग्रेड E3 का, यहाँ पे देख सकते हैं 80,000 यहाँ पे दिया गया, जो कि आपको मतलब उसमें जो है 3% जो है आपका इंक्रीज होगा। यहाँ पे इसी तरह मेडिकल ऑफिसर का भी दिया गया, स्केल पे आप लोग चेकआउट करेंगे, इसको सही से देख लेंगे और इसको ज़रूर अप्लाई करें। अच्छी खासी वैकेंसी है, अप्लाई करना ना छोड़े, मैं यही बताना चाहता हूँ आप लोगों से। कोई भी वैकेंसी आता है और अगर आप इसमें योग्य हैं, आप इसमें अगर एलिजिबल है, तो इसको बिल्कुल भी अप्लाई करें, मौका जाने ना दें। सभी कुछ सभी सभी जितने भी आपका जो अपॉर्चुनिटी आते हैं, फॉर्म वगैरह वैकेंसी वगैरह आते हैं, तो उसको अप्लाई ज़रूर करें। यहाँ पे फी के बारे में बात करेंगे तो E1 एंड अबव, तो इसमें आपको 700 रुपये लगने वाला है, जो कि SC ST PWD ACM डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए 200 रुपये लग रहा है। S3 के लिए यहाँ पे 500 लग रहा है। उसके बाद जो बात करेंगे हम लोग SC ST के लिए, तो यहाँ पर 150 लग रहा है। लोग S1 के लिए 300 लग रहा है, यहाँ पे 100 लग रहा है। तो सबका अलग अलग हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से दिया गया है आपका जो यहाँ पे फ़ी क्लियर देके रखा है। फिर नीचे चलेंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। और ये वैकेंसी जो है सेल की तरफ से वैकेंसी है, और पोस्ट भी है सभी जो है अच्छी। पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे तो पोस्ट भी ठीक ही ठाक है थोड़ा। चलेंगे हम लोग नीचे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे 9 जुलाई 2024 स्टार्ट है। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे 3 अगस्त 2024 तक आपका लास्ट डेट रहेगा। तो अभी बहुत ज़्यादा समय है, आप लोग बिल्कुल भी इसको अप्लाई करने से चुके नहीं। और जैसे और अगला नेक्स्ट में कुछ वैकेंसी आएंगे तो मैं ज़रूर डालूंगा आप लोगों को साथ, ज़रूर शेयर करूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट आपका 3 अगस्त 2024 को है। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पर लास्ट करेंगे, यहीं पर समाप्त करेंगे, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट वैकेंसी न्यू जॉब के साथ। तब तक लीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।